खर्चा तो हो गया, सामान तो ले आए, मगर अब उस सामान की पूजा कैसे करें, उसका उसकी भी कोई विधि होती है क्या? क्योंकि बहुत से लोग सामान तो ले आते हैं मगर उसकी पूजा नहीं करते। किस दिन पूजा की जाए, क्योंकि अमूमन दीपावली के दिन पूजा करें या धनतेरस पे लाकर धनतेरस के दिन ही पूजा कर लें, किस विधि से करें जरा वो बताएं। धनतेरस वाले दिन भी पूजा होती है, भगवान कुबेर जी की पूजा होती है, धनवंतरी जी, लक्ष्मी जी, सबकी पूजा होती है, क्योंकि इस दिन भी विधिवत, जैसे हमारे पूजा का शुभ मुहूर्त बताया 29 अक्टूबर को शाम को 6:31 से 8:13 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। तो देखिये यहाँ पे जिस तरह से सजा हुआ है, आप देखिए पूजन विधि की यदि हम बात करें तो कुबेर जी की मूर्ति जो है ये लाल चौकी पे आपने लाल कलर का जो वस्त्र बिछा रखा है, ऐसे ही चौकी में सबसे पहले आप एक स्वास्तिक बना लें, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा लें, और फिर जैसे यहाँ पे थोड़ा सा धान की डेरी है उसके ऊपर कुबेर जी की मूर्ति स्थापित की गई है, जो अपने आप में बहुत शुभ है। कभी भी मूर्ति ऐसे नहीं रखते हैं, नीचे कुछ ना कुछ रखे, पुष्प रखिए या धान की डेरी रखिए, उसमें आप रख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि आप किस डायरेक्शन में मूर्ति रख रहे हैं, तो जब भी आप पूजा करेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी मूर्ति होनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस होती है। इनफैक्ट जब आप पूजा करते हैं तो आपका जो मुख होता है वो भी पूर्व दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, जो अपने आप में बहुत शुभ माना जाता है। और हम शुरुआत करते हैं मूर्ति के शुद्धिकरण से। आप गंगा जल छिड़किए मूर्तियों को, पहले पूरा एरिया आप साफ कीजिए, चौकी बिछाइए, फिर मूर्तियों का शुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए आपने जिस तरह से इनको पुष्प का हार पहनाया है, आप तिलक लगाएंगे भगवान की मूर्ति को, लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ हम एक सुपारी भी जरूर रखते हैं, जो विष्णु भगवान का प्रतीक माना जाता है, और उसको भी आप करें, और सारी मूर्तियां इस समय हम साथ में रखते हैं। कौन सी मूर्ति की पूजा करें, क्योंकि जैसे ये मिट्टी की मूर्ति है, लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करते हैं, कुछ लोग अष्ट धातु की मूर्ति की पूजा करते हैं, और कुछ लोग मिट्टी की मूर्ति की पूजा करने के बाद उसको विसर्जित भी कर देते हैं, तो कौन सी मूर्ति की पूजा शुभ मानी जाती है? देखिए वैसे तो सामर्थ्य के अनुसार आप अपने आप कोई भी मूर्ति ले सकते हैं, जो लोग सोने चांदी की मूर्ति अफोर्ड कर सकते हैं वो सोने चांदी की ले। मिट्टी की मूर्ति भी शुभ मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति लेते हैं वो कभी नहीं लेनी चाहिए, लोहे की या स्टील की मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। आप पंच धातु की मूर्ति लीजिए, आप सोने की लीजिए, आप चांदी की लीजिए, आप मिट्टी की लीजिए। और जब विसर्जन की बात आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए हम 5 दिन पूजा करते हैं, उसके बाद विसर्जन के टाइम पे हम ऐसे ही मूर्ति को छोड़ देते हैं, जो बहुत शुभ नहीं होता है। मूर्ति विसर्जन का भी प्रॉपर तरीका होता है, आप जब मूर्ति विसर्जित करने वाले होते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, आपको उसको लाल कपड़े में लपेट के थोड़े से अक्षत, थोड़े से फूल डाल के आप उसे बहते जल में या किसी नदी में प्रवाहित कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी नहीं है, बहता जल नहीं है, तो आप उसे मंदिर के पुजारी जी को दे दीजिए कि वो अपने हिसाब से उसको विसर्जित कर दें। कुछ लोग जो होते हैं, जैसे मिट्टी की मूर्ति होती है, आप अपने घर में एक पानी का पात्र लेके उसमें छोड़ दीजिए, उसी में विसर्जित हो जाए मूर्ति। कुछ लोग ना उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख देते हैं, जहाँ बहुत गंदगी फैली होती है। वैसे तो कहते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे रख देना विसर्जन में पर्सनली नहीं उस चीज को, क्योंकि वहाँ बहुत गंदगी लोग फैलाते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि जो भगवान धनवंतरी की जो मूर्ति होती है ना, उसे कोशिश यही करनी चाहिए कि वो मिट्टी की या फिर किसी ऐसी चीज की ना हो जो खंडित हो जाए। भगवान धनवंतरी की मूर्ति को हमेशा मेटैलिक या फिर पंच धातु या किसी ऐसी चीज में ही इनवाइट करना चाहिए, क्योंकि इन्हें हम कुबेर की, मतलब जैसे इनको हमें हमेशा के लिए अपने घर में स्थापित कर रहे हैं कि आपके घर में आरोग्यता बनी रहे। हम वो मूर्तियां जिनको विसर्जित करते हैं उनका एक पूरा एक रीजन होता है कि हमने जैसे गणपति अपने घर में लेकर आए कि वो आए आपके घर, और उसके बाद उनको उनके लोग वापस भेजना है, तो हम उनको फिर विसर्जित करते हैं। लेकिन हम धनवंतरी जी को अपने घर में रख रहे हैं कि आप हमारे घर में आरोग्यता प्रदान करें, तो इसलिए हम उनको रखते हैं। इसलिए कुबेर की भी जो मूर्ति होती है वो भी हम लोग मिट्टी की नहीं रखते। बहुत बहुत अच्छी बात है। बांदा जी आपसे ये जानना चाहूंगी, विसर्जित होती है जो, अगर हमारी खंडित हो जाती है तो हम उन्हें विसर्जित विसर्जित। बांदा जी बहुत से लोग कहते हैं कि झाड़ू लाना बहुत ही शुभ होता है धनतेरस के खास मौके पर, इसका क्या महत्व है जरा ये भी समझाइए, और उसे लाएं फिर कब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आज के दिन झाड़ू खरीदना जो होता है बहुत ज्यादा शुभ होता है, क्योंकि रीजन इज कि माँ लक्ष्मी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, तो इस वजह से हम झाड़ू लेके आते हैं। इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि झाड़ू जो होती है हमारे घर का जितना भी नेगेटिविटी है वो क्लियर करती है, तो सिमिलरली कहीं ना कहीं हम अपने जीवन से भी उस नेगेटिविटी को क्लियर करें। आज के दिन झाड़ू लाना बहुत ज्यादा शुभ होता है, और कई जगह तो पूजा में भी झाड़ू की जो है एक सीख रखी जाती है, उसको भी तिलक किया जाता है, उस पर भी मोली बांधी जाती है। कहते हैं कि झाड़ू को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, झाड़ू को ऐसे पार नहीं करना चाहिए,
क्योंकि कहीं ना कहीं वो माँ लक्ष्मी का पैर ना लगे, पैर ना लगे, तो वो एक कहीं ना कहीं इट्स अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट जो हम माँ लक्ष्मी को दे रहे हैं इन दी फॉर्म ऑफ कि उनके प्रतीक की भी हम यहाँ पर पूजा करें। और जो पुराना झाड़ू है, मान लीजिए हम नया झाड़ू ले आए, फिर जो हमारे पास पूरे साल हमने इस्तेमाल किया पुरानी झाड़ू, क्या उसको उसी दिन हमें नहीं, उससे पहले डिस्कार्ड कर उसके पहले उस दिन आपने सुबह नई झाड़ू लेके आनी है, मतलब वो नई लेके आनी है और पुरानी को उसके पहले डिस्कार्ड झाड़ू करना। अच्छा एक चीज और है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ये जो धनतेरस की पूजा हम करते हैं, ये क्योंकि ये दिवाली महोत्सव चल रहा है, इस समय झाड़ू लाना तो शुभ होता ही है, लेकिन अगर आप एक छोटे से चूहे या फिर मूसक कुछ ऐसी चीज अगर अपने घर में लाके स्थापित करते हैं तो वो भी बहुत शुभ माना जाता है, मतलब उसकी मूर्ति। हाँ बिल्कुल, अगर आपके घर में बहुत सारे चूहे हैं ना तो आप थोड़े दिनों के लिए बर्दाश्त कीजिए, प्लीज पेस्ट कंट्रोल मत कराइए इस दौरान। मैं आपको बिल्कुल बता रही हूँ क्योंकि वो जो है ना कहीं माँ लक्ष्मी के संदेश लेकर आ रहे हैं आपके पास। आप इस समय प्लीज चूहों को बिल्कुल भी हार्म ना पहुंचाइए और आप उनको अपने घर का मेंबर, क्योंकि उनकी भी तो प्लेनेट है, आप थोड़े समय के लिए उन्हें बर्दाश्त। अच्छा ज्योति जी, ये तो हुई धन की बात के कुबेर जी को प्रसन्न कैसे करें, माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें, लेकिन इस बीच आरोग्य कैसे रहे, कैसे अपने आप को रोगों से मुक्त रखें? दो चीजें मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो ये, क्योंकि धन्वंतरी जी की पूजा की जाती है तो धन्वंतरी जी की पूजा करने के लिए हम लोग यम के लिए दीपक जलाते हैं। तो यम के लिए दीपक कैसे जलाएं, या जो जो हम जैसे कि अभी यम का ध्यान पूजा जी ने बताया मुहूर्त, उस मुहूर्त के आसपास आप एक अनाज का ढेर अपने प्रवेश द्वार पर लगाइए। बाईं तरफ या दाईं तरफ? बाईं तरफ या दाईं तरफ प्रवेश द्वार? आप जिस तरफ आपके लिए पॉसिबल हो, क्योंकि कभी कभी आजकल अपार्टमेंट्स में आपके पास दोनों तरफ तो पॉसिबिलिटी नहीं होती। जनरली मैंने देखा है, मैं जितनी भी वास्तु सेंचुरी विजिट्स पे जाती हूँ, एक ही साइड पे अवेलेबिलिटी होती है। तो आप एक ढेर बनाइए और उस पर आप चौमुखी वाला एक बड़ा सा दीपक लीजिए और उसमें डालिए तेल, और इसमें तेल ही डाला जाता है और सरसों का तेल ही डाला जाएगा। इसमें आपको तिल का तेल या देसी घी नहीं डालना है, वो डालिए उसमें, और उसके अंदर उस ढेर के ऊपर रखकर आपको वो जलाना है। अगर बाई चांस आपको चौमुखी वाला नहीं मिल रहा है तो आप एक मुखी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी जो अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं, या फिर आप पूरे चावल, पूरे दाना चावल, टूटा हुआ या फिर पोना चावल बिल्कुल नहीं लेना। उसका ढेर बनाइए, उसे रखिए और उसके ऊपर आप दीपक रखिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि चौमुखी दीपक होना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास संभावना ना हो तो उस केस में आप एक मुखी ले लीजिए। अगर ना हो तो उसका जो मुख हो वो आप साउथ की तरफ कर दीजिए। मैं उस कंडीशन में बोल रही हूँ, चौमुखी ही रहेगा लेकिन उसको पूरा भरिएगा और उसको रखिए अपने प्रवेश द्वार पर। और आप उस समय जो है यम के लिए वो होता है कि यम देव आपके परिवार की रक्षा करें। यम बहुत बड़े देवता हैं जो कि हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए भी उनकी उल्लेख। वैसे बहुत सारी महिलाएं हमारे पास हैं और कुछ महिलाओं के भी सवाल हैं जो धनतेरस से जुड़े हुए पूछना चाहती हैं। एक मेरा सवाल है, जो धन्वंतरी जी हैं उनके हाथ में कलश, अमृत कलश होता है, वो आयुर्वेद के माने जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो तो दवाई केमिकल और कैंची सर्जन के हाथ में, तो वो क्या करें? देखिए धन्वंतरी जी को के हाथ में अमृत कलश लेकर वो प्रकट हुए थे, लेकिन जो अमृत कलश लेकर जो वो प्रकट हुए थे तो उस वो जो अमृत दिया गया था वो देवताओं को दिया गया था, ठीक है। तो हम धन्वंतरी जी की जो पूजा करते हैं वो इसलिए पूजा करते हैं कि हर मानव, हर प्राणी की रक्षा के लिए हम उनको उनकी प्रार्थना करते हैं, ताकि एक एक व्यक्ति के प्राणों की रक्षा हो सके।